Hello everyone. Thank you all for coming. And really appreciate people have come from very far to enjoy yourselves. आप सबका स्वागत है. Thank you very much for coming. We have three movies. लेकिन कौन सा पिक्चर देखें ये आप लोग तय करेंगे. So we'll put the three movies up. पोलिंग करेंगे. जिसको मैक्सिमम वोट मिलेगा वो पिक्चर देखेंगे. सीस्पिरेसी 12, व्हाट द हेल 11, 25. चलो चिकन रन. I'm gonna tell you a story. It's all about the time we escaped from a chicken farm. So, मैं चाहता हूं कि हम लोग इस पिक्चर के बारे में थोड़ा बात करें. ये पिक्चर में आपको एक बात जो सबसे अच्छा लगा वो बताएं. So, मैं बताता हूं मुझे सबसे अच्छा क्या लगा. मुझे पिक्चर में सबसे अच्छा वो ब्रेन वॉशिंग जो दिखाते हैं वो लगा. हैप्पी चिकन जो वो एड भी बनाते हैं कि मुर्गियां कितनी खुश है उनका नगेट बनने वाला. सो ये जो मार्केटिंग, ये जो ब्रेन वॉशिंग होता है कि जानवर बहुत खुश है, जानवर का भी ब्रेन वॉशिंग इतना खिलाते हैं कि जानवर को लगता है बहुत बढ़िया, उनका इंस्टिंक्ट है खाते रहने का. तो उनको दुनिया भर का जब खाना मिलता है तो जानवर भी वहां पे मोटा होते रहता है. हम इंसानों का भी ब्रेन वॉशिंग, उनका भी ब्रेन वॉशिंग, ये हमारा सिस्टम. अ गुड मैसेज दैट यू डोंट हैव टू ईट चिकन नगेट्स, यू कैन हैव पॉपकॉर्न्स एंड स्टफ. व्हाट रियली स्ट्रक मी इज व्हेन द लेडी वेंट थ्रू द ग्राइंडर. सो आई वाज रियली सैडेंड बाय दैट एंड आई वाज शॉक्ड. यू नो इट इज इजी टू सी चिकन्स एंड ऑल, आई डोंट नो फ्रॉम आवर teachings that, you know, it's okay to see animals being grinded and everything, but when a human went through it, I was devastated. When she went through that grinder, I thought she would come out a better human being, but she didn't. So that's what, maybe we humans are still better than that movie, that if we go through that, maybe we'll all change, like we have already all the vegans. No, I'm a Jain. I'm not a vegan right now. So I really got inspired by watching this movie. So it was fun and I learned a lot about it. Like, humans could go to any extent for their own selfish gains. They wouldn't spare anything. In the end, when, you know, another set of chickens were under fire, then again they were ready to, you know, fight for them. So I think as vegans also, this is like, you know, we are going to face it every time we see somebody new and then, you know, be on this mission to change more to veganism. She mentioned that it's just the beginning and it's not the end. That really symbolizes life itself, because we always grow up thinking it's going to have a happy ending, but there's always just a happy beginning, not an end. Leave the animals to enjoy the way they want to, and leave the humans to, you know, enjoy the way they want to. And instead of, running over each other or cutting each other. Stop interfering. Stop interference, exactly. बच्चे छोटे हुए तो उनके स्तर पे उनको एजुकेट करना, उनको रियलिटी से वाकिफ कराना is very important. We as vegans, we are educated and we know about all these things. But we need to also educate non-vegans about, you know, why they like fast food so much and why it's brainwashed into them. So हम इंसानों का सोचना ही जरा अलग है. हमारे दिमाग में हम ऐसे कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं. जैसे लारा को और किसी और को भी बहुत धक्का लगा जब वो औरत गिरी ग्राइंडर में. लेकिन अगर मुर्गियां गिरते हैं तो हम उसको अलग से देखते हैं. सो ये जो अपने दिमाग में कंपार्टमेंट हो गया है कि वो कोई बात नहीं चलता है, ये अरे पाप रे इंसान. तो ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया हमारे दिमाग में, ये ब्रेन वॉशिंग है, ये मार्केटिंग है, और इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है. तो यहां पे इसी सामने कहा इसने एजुकेशन. सो एजुकेशन से इनका मतलब सिर्फ ये है कि अवेयरनेस कि भाई वो भी जीना चाहता है, शायद उसको भी उतना ही दर्द हो जितना आपको. So, हमारे यहाँ पर कुछ अच्छे मेहमान हैं. आप सारे अच्छे मेहमान हो, सॉरी. कुछ अच्छे शख्सियत हैं. प्रदीप शाह जी हैं, जोसेफ हैं, जोसेफ शरण की ओर से हैं. प्रदीप शाह जी NDS चलाते हैं.
तो मैं चाहूँगा कि ये दोनों साथ थोड़ा हम सबसे बात करें। कुदरत ने हमको सब कुछ दे के भेजा है, हर जीव को दे के भेजा है, जन्म से लेकर अंत तक स्वस्थ रहने की पूरी व्यवस्था की है। और ह्यूमन रेस ही एक ऐसी है जो सबसे ज्यादा बीमार है, इतनी सारी दवाइयाँ, इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे पैथीज, फिर भी हम सबसे ज्यादा बीमार हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कुदरत का कानून तोड़ते हैं। तो कुदरत के क्या कानून हम तोड़ते हैं और क्या करने से हम हमारा खोया हुआ स्वास्थ्य वापस पा सकते हैं, उस पर हम काम करते हैं, लोगों को जगाते हैं, बताते हैं। एंड यस, वीगनिज्म बिकम्स वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। जो मैंने जब एक साल मैंने वीगन था, लेकिन मेरे को वीगनिंग में उतना ये नहीं था, मैं वीगनिज्म क्यों करें, लेकिन मैं ठीक है, मैं तो एक रॉयल्टी का पार्ट नहीं हूँ। लेकिन जब एक साल के बाद दिसंबर में, जनवरी में मैं वीगन बना, तो दिसंबर में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा, डॉक्टर शैलेश राव, उसने बोला जो अभी जो क्लाइमेट चेंज है और जो भी हो रहा है अभी, उसका एक ही इलाज है, हमारा जो हाथ और मुंह का जो वो है उसी में डिसीशन लेगा। बिकॉज अभी तो मेरा तबीयत भी ठीक है, अच्छा है, तंदुरुस्त है, आई लॉस्ट ऑल 17 kgs, आई फील आई गॉट एनर्जी, आई वुड लाइक टू लिव अनदर 50 साल तो जीने के लिए उम्मीद रखता हूँ। लेकिन 50 साल जीने के लिए दुनिया तो चाहिए, प्लानेट तो होना चाहिए 50 साल जीने के लिए, प्लानेट ही नहीं है तो कहाँ रहेंगे। तो ये एक सेल्फिश मोटिव है लोगों को बताने के लिए, भैया तुम भी करो, कुछ करो, हम साथ में अच्छा जिएंगे, है कि नहीं? दैट इज़ द रीज़न। तो मैं आज बोला था आपको एक वाई होना चाहिए, क्यों करें। इट कुड बी एथिकल रीज़न, इट कुड बी हेल्थ, इट कुड बी व्हाट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। किस्मत से हमारे यहाँ पर वीगन्स हैं और नॉन वीगन्स भी हैं। जो नॉन वीगन है उनके समझ के लिए प्लीज़, वीगन वो लोग हैं जो अपने जीने और खाने के लिए किसी पशु का उपयोग नहीं करते, किसी का शोषण नहीं करते, बस उतना ही सिंपल। टाइम फॉर डिनर, और डिनर करते करते मिलिए एक दूसरे से, बात कीजिए, पूछिएगा, जो भी वीगन के बारे में जानना चाहता है हमसे या जो भी दूसरा वीगन होगा यहाँ पर, संपर्क करें और मिलते हैं, ठीक है? लेट्स हैव डिनर। Hi, today I watched the movie Chicken Run 2, Dawn of the Nuggets, and it was a very nice movie, at the same time pretty educational, because they had some subtle messages about being kind to each other and not giving up on your challenges. What I learned from the movie was that I learned the pain that animals go through and what they don't deserve that, and we should be against eating non-veg or be against the cruelty towards animals. Animals hai unki feelings, unko as a real characters manna aur fir unko as a product na dekhna, ye bina bataye movie ne bahut acche se logo ko samjha diya. Hamare aas pass ke jo hain chickens hain, animal hain, unhe bhi kill nahi karna hai aur hame sattvic food hi khana hai. Se expectation tha ki thoda peer pressure idhar hoga, ki aisi jagah pe aayenge to mujhe pressurized feel hoga ki different vegan log hain, बट मेरा एक्सपेक्टेशन भी बहुत अलग ही हुआ, बहुत कम्फर्ट एनवायरनमेंट था। मैं पहले नोटिस नहीं करता था, हमारे एरिया में गाय चलती है तो मेरे साथ कैसे बुरे कंडीशन होता है, और आज मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ ये भी चीज़ बुरी चीज़ होती है। इट चेंज माई पर्सपेक्टिव, होल थिंग अबाउट दिस इवेंट इज चेंज माई पर्सपेक्टिव। चिकन्स, दे आर नो डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस, दे आर जस्ट लाइक अस, दे फील द पेन ऑल्सो। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज थिंक अबाउट इट, that they also feel pain like us. Please don't eat them. A very funny animated video, and really love the food also, the snacks and the especially the soya biryani. Hopefully
the day is in Farvin, I'll also be vegan. And thank you so much for this event today. I met some extremely nice people and I look forward to coming to more of these things. I also thought the movie was very educational because it helped humanize chickens in our eyes and helped us relate with them more and see their plight. So yeah, look forward to attending more such events.